नो आइडिया क्या है ये, पेरू में नॉर्मल है क्या? नो मैम, नो आइडिया, नहीं पता। देखिए सैलरी वगैरह पता है ना, सैलरी मिलेगा अगर हम लोग काम करेंगे तो, राइट? तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय होते हैं? अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, नो डाउट, है ना? तो सारे एम्प्लॉयज का पेमेंट मैनेज करना, और वो भी ऐसा तो नहीं है कि मजदूरी के बेसिस पे कर रहे हैं, जितना काम किया पर घंटा के बेसिस पे उतना हम लोग पेमेंट दिए, वैसा तो होता नहीं है। हम लोग का आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा अलाउंस मिलता है, डिफरेंट कंप्लायंसेस वगैरह मिलता है ना? तो वो सारे का कैलकुलेशन हर एक एम्प्लॉय का करना टफ नहीं हो जाता? यस और नो? तो सारे एम्प्लॉयज का पेमेंट कैसे मैनेज हो और वक्त पे की सैलरी भी मिल जाए, उसी चीज के मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है आपकी, पेरोल मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टर स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए, पेरोल मैनेजमेंट सबसे पहले है क्या, पहले ये सब्जेक्ट के बारे में जानिए, क्यों पढ़ना जरूरी है, और अनडाउटेडली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? धीरे धीरे इसके बारे में जानिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा ये। पेरोल मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है? इट इज अ सिस्टम बाय विच एन एम्प्लॉय कैन मैनेज, सॉरी, एन एम्प्लॉयर कैन मैनेज, लाइक जैसे बहुत सारा टर्म आप सुनते होंगे एचआरए, ठीक है? एचआरए व्हाट इज दैट? हाउस रेंट अलाउंसेस। डीए, डीएनएस अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस, सीटीसी, यस मैम, रिपीट, सीटीसी, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, सीटीसी मैं बोल रही हूँ, सीटीसी, कंपनी टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी, ईएसआई, आपके सैलरी में ये सारा कुछ रहता है। आप जो सैलरी स्लिप अगर अगर पापा का होगा तो एक बार चेक करिएगा, तो उसमें सारा कुछ रहता है, ठीक है? ईएसआई का डिडक्शन होता है, पीएफ का डिडक्शन होता है, राइट? हाँ हाँ, पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये हालांकि बहुत सारा फिर ग्रेचुटी मिलता है, राइट? तो ये सारे के बारे में जानना, क्या कटता है, कैसे कटता है, कितना परसेंट हम लोग को मिलता है, ये सब आप लोग को जानना जरूरी है। डजंट मैटर इन विच सब्जेक्ट यू आर, वेदर यू आर इन बीकॉम, बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा ये तो एचआर का पोर्शन है, तो एचआर का पोर्शन है, बीकॉम वाले क्यों पढ़े? लेकिन आप लोग के लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हैं, यस और नो? ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे, किसका क्या सैलरी मिलना है, कैसे आपको नेगोशिएट करना है, क्या क्या मिलता है, एचआर का रूल्स क्या क्या है, कंप्लायंसेस क्या है, स्टैट्यूटरी क्या है, वो सब हम लोग को पता होना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई चीटिंग ना हो। अंडरस्टूड? कोई ऑर्गेनाइजेशन किस एक्ट के अंदर आती है, उस एक्ट के अंदर क्या क्या हम लोग को मिलना चाहिए बेनिफिट, वो सब हम लोग को पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? इसीलिए जाना जरूरी है, इसीलिए दिमाग में बहुत क्वेश्चन हुआ कि बीकॉम वाले एचआरएम वाला पार्ट क्यों पढ़े, तो ये सबको हटा दीजिए, ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि फर्दर जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे आपको सैलरी मिलेगी, आपको पता होना चाहिए आपका क्या सैलरी क्या कहलाता है और आप किसके किसके लिए एलिजिबल है। ऑलराइट, इसीलिए ये पेरोल मैनेजमेंट पढ़ना जरूरी है। ज्यादा लंबा तो क्लास नहीं चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि पेरोल मैनेजमेंट है क्या। ऑलराइट, so start writing, the it is a system, payroll management is a system by which an employer can manage, remember employer, I am talking about employer not employee, all right, employer can manage the salary of his employee, the salary of his employee, all right। तो पेरोल मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को मैनेज करते हैं। ऑलराइट, तो पेरोल मैनेजमेंट, प्रोसीड फर्दर, पेरोल हैज मेनी फीचर्स, पेरोल हैज मेनी फीचर्स। अभिजीत अभी भी सिस्टम पे लिखने का आदत है क्या? सिस्टम पे लिख रहे हैं? फोन से कर रहे हैं, बाहर आए हुए, फोन से कर रहे हैं, अपना फुआ का घर में, ठीक है?
बुआ के घर पे आप सिस्टम लेके नहीं आए हुए? नहीं, आज अभी जस्ट आई थी। ओके, सुकन्या वेयर इज योर फ्रेंड? आप अकेले आए, फ्रेंड को छोड़ दिए कहीं क्या? नहीं मैम, आ रही है वो भी। ओके, सो पेरोल मैनेजमेंट का फीचर लिखिए। सबसे फर्स्ट नंबर वन इज सैलरी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग सैलरी मैनेजमेंट करते हैं पेरोल मैनेजमेंट, ठीक है? आफ्टर दैट अलाउंस मैनेजमेंट। अलाउंस में जो भी अभी डिस्कशन हुआ ना, जैसे HRA, DA, स्पेशल अलाउंस, ये सब एक्स्ट्रा जो जो बेनिफिट होता है वो अलाउंस के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है उत्सव? क्लियर? यस मैम। फिर नेक्स्ट लिखिए डिडक्शन सिस्टम। अब डिडक्शन सिस्टम में क्या क्या आ गया? ESI कटेगा, PF सर्टेन अमाउंट कटेगा, ग्रेचुटी के लिए कटेगा, ऑब्वियसली मिलना आपको है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको मिलेगा। सॉरी, ग्रेचुटी में तो नहीं कटता है, PF में कटता है, ठीक है? तो ये एक टाइम के बाद आपका वो अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये डिडक्शन सिस्टम। और क्या होता है? नेट पेबल। एंड नेट पेबल, नेट पेबल ETC, ऑल राइट? It also deal with generation of pay slip. It also deals with generation of pay slip. जैसे आपको बताया गया 25,000 इन हैंड मिलेगा, तो ये 25,000 आपका कैसे हो रहा है? बेसिक कितना मिल रहा है, HRA कितना मिल रहा है, DA कितना मिल रहा है, PF कितना कट रहा है, सैलरी स्लिप में वो सारा लिखा रहता है, ठीक है? इवन अगर आपके यूनिफॉर्म का भी 100 रुपीज भी अगर कट रहा है, मतलब मिनिमम अमाउंट भी कट रहा है अगर, तो भी वो पेमेंट स्लिप में आपके लिखा रहेगा, ऑलराइट? तो ये पेरोल मैनेजमेंट के थ्रू ये स्लिप भी जनरेट होते हैं, ऑलराइट? ठीक है अभिजीत? यस मैम। आगे बढ़िए, कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन that are performed manually can be automated using the payroll system. Mam, that are performed manually. Pura line padhiye. Complicated computation that are performed manually. Can be automated using the payroll management. ठीक है, अब इमेजिन करिए आप सारे employees पे, यहीं पे जितने employees हैं, जितने students हैं, 9 students is over here. अब इन्हीं का सारे का basic salary calculate करना, सारे का HRA calculate करना, सारे का deduction करना, manually ये सब काम करना, क्या उतना easy होता? So ये easy बनाया गया है इसी system के through, payroll management के through. Alright, clear? आगे लिखिए, the payroll system linked with HR activity is called as payroll management software. The payroll system linked with HR activity is called as payroll management software. All right, payroll management software. आगे लिखिए, payroll management software is beneficial for any kind of business enterprise. Ma'am, repeat kariyega. Payroll management software is beneficial for any kind of business enterprise. ठीक है, अब इतना जानने के बाद क्या क्या फील हुआ, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है पेरोल मैनेजमेंट का, क्या बेनिफिट है?
सबसे पहला बेनिफिट तो यही है। कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन का मतलब? कॉम्प्लिकेटेड मतलब टफ कैलकुलेशन वगैरह जो है उसको इजी कर रहा है आपका पेरोल मैनेजमेंट। ठीक है, टफ कैलकुलेशन जो है जितना डिडक्शन हो रहा है, बाकी का सैलरी ऐड हो रहा है, किसी को अलाउंस मिल रहा है, किसी को इंसेंटिव मिल रहा है, अब किसी का टारगेट अलग है ना। मान लीजिए आपका उत्सव है 1 लाख का टारगेट आप अचीव कर लिए, ठीक है, कोई है आपके ऊपर पोस्ट पे उसका 2 लाख का टारगेट है ना। हर एक एम्प्लॉय डिफरेंट है ना, डिफरेंट टारगेट है, डिफरेंट इंसेंटिव मिल रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है कैलकुलेशन, है ना। तो उसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये पेरोल मैनेजमेंट है। इसका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर पे ही सारे एम्प्लॉयज का नाम होता है, उसका आईडी जो मिलता है वो होता है, जिस सबको कितना बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है वो आपका रहता है एक्सेल पे, ठीक है, और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता है, बस आपको वो नंबर फीड करना होता है। ऑलराइट, बस नंबर फीड करना होगा कि बेसिक सैलरी कितना होगा इसका, एचआरए कितना है, डीए कितना है, ठीक है, पीएफ इसका कितना कट रहा है, ठीक है, वो सब बस फीड करना होता है, ठीक है सर। यस मैम। चलिए अब बेनिफिट लिखिए, बेनिफिट ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो वही है, इजी टू प्रोसेस, है ना, सबसे पहला बेनिफिट तो वही है, इजी टू प्रोसेस। और इससे फिर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए इंसेंटिव मिल रहा है अगर, तो इससे हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी तो बेहतर कर सकते हैं। लोग कितना परफॉर्म कर रहे हैं, किसको कितना सैलरी मिल रहा है, कितना इंसेंटिव मिल रहा है, इससे ये तो पता चल रहा है ना कि ग्रेजुअली किसको ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, किसका टारगेट अचीव हो रहा है, पता चल रहा है ना। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी इससे हो पा रहा है, तो नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस इज अनदर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी आप बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पे हो रहा है, सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, तो मैनुअली में जितना मिस्टेक होने का या ह्यूमन एरर का जितना चांसेस है, यहाँ पे वो चांसेस खत्म हो जाते हैं। ऑलराइट, तो एक्यूरेसी लिखिए, बेस्ट एक्यूरेसी हो गया। आगे लिखिए, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स योर टास्क इजियर। इट प्रोसेस टास्क फास्टर। It process task faster because payroll HR software has all the employee data. मैम, बिकॉज पेरोल एचआर सॉफ्टवेयर हैज ऑल द एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, इवन प्रीवियस एम्प्लॉय, आप एचआरएम बीकॉम में अब तक पढ़े हैं क्या? यस मैम, टैक्सेशन में था। टैक्सेशन में एचआर कहां से होगा? HR सॉफ्टवेयर हैज ऑल द एम्प्लॉय डेटा। हाँ, एम्प्लॉय का सारा डेटा होता है। उसके बाद आगे लिखिए, इजी टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस यूजिंग पेरोल सॉफ्टवेयर। हेंस परफॉर्मेंस रिव्यू, इट इज इजी टू इवैल्यूएट employee performance using payroll software.
Then after that, write down hence performance review. Hence performance review of employee becomes faster. All right. Because see, every month we are calculating their salary. So which leads that their performance review is also faster. All right. So that's the reason. And next line you write down, payroll software helps to reduce number of employees who were working in slower manual process. Slower manual process. Yes or no? मान लीजिए 1000 employee है. 1000 employee की salary को calculate करने के लिए manually अगर आप किसी को लगाते हैं तो एक से तो काम होगा नहीं. ठीक है, मान लीजिए 10 employee को आप लगा रहे हैं इस designation पे, इस post पे, payroll management के लिए. और यही software पे अगर आप कर रहे हैं तो नहीं, मतलब ठीक है, एक से नहीं होगा, कम से कम 5 तो हो जाएगा ना. ठीक है, 10 का 10 नहीं यूज होगा. मान लीजिए 5 काम कर रहा है, यानी तो 2 ही काम कर रहा है. रिडक्शन हो गया ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में. ठीक है, तो सैलरी आपका जो खर्चा हो रहा था कॉस्ट टू कंपनी वो भी तो कम हो गया. ठीक है, अब आगे बढ़िए. एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैन बी कहाँ थे हम लोग? Accurate information can be getting by the payroll system on real time. Real time मतलब on the spot. ठीक है. Yes रजत, आप इतना late क्यों join किए? मैम पता नहीं, network का थोड़ा issue था. आए थे वापस, फिर हम leave करके वापस आए. Laptop में किए हैं, mobile में नहीं हो रहा था. All right. ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सैलरी स्ट्रक्चर, यानी जब आपको सैलरी मिलता है तो उसमें क्या क्या ऐड होता है. तो सबसे पहले तो बेसिक सैलरी. ठीक है, अब आपका टॉपिक रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर. नाउ योर टॉपिक विल बी सैलरी स्ट्रक्चर. ठीक है, जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो टैक्सेशन को देखते हुए, कंप्लायंसेस को देखते हुए उसको प्रिपेयर किया जाता है. ऑलराइट, तो सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे पहला, सबसे ऊपर हेडलिस्ट में जो लिखा रहेगा, दैट विल बी बेसिक सैलरी. ऑलराइट, द फर्स्ट कंपोनेंट इन योर सैलरी विल बी योर बेसिक सैलरी. एंड व्हाट इज बेसिक सैलरी? बेसिक रेम्यूनरेशन. राइट इन बेसिक सैलरी, बेसिक रेम्यूनरेशन as per the term of contract with employer. ठीक है, जो भी discussion होता रहता है वो जो contract होता है employees और employer के बीच में, as per that आपका basic salary fix होता है. All right, आगे बढ़िए. Allowances allowances, allowances. ठीक है, उसमें लिख लीजिए HRA, DA, क्या हो गया रजत? नथिंग मैम. ऑलराइट, HRA, DA, स्पेशल अलाउंसेस कॉमा चाइल्ड केयर अलाउंसेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका अलाउंसेस के अंदर. ऑलराइट, अब आगे लिखिए प्री रिक्विजिट्स. ठीक है, प्री रिक्विजिट्स में क्या, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन,
रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, इसके अलावा फूड फैसिलिटी, जैसे एनटीपीसी वगैरह में पता होगा ना कि बहुत सब्सिडाइज अमाउंट पे आपको वहां कैंटीन का खाना वगैरह मिलता है, ठीक है, जैसे बाहर अगर आपको 100 रुपया या 200 रुपया प्लेट मिलता है, वहां पे मान लीजिए 30 रुपीज इतने का डिफरेंस होता है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो इंटर्नशिप मेरा एनटीपीसी से ही हुआ है, तो वहां पे उस वक्त मेरा कब हुआ है, ये 2011 के अराउंड, ठीक है, उस टाइम 20 रुपीज में मिलता था, ठीक है, और टेस्टी खाना, हाइजेनिक खाना, 20 रुपीज में आपका कंप्लीट प्लेट सर्व होता था, सब कुछ होता था उसमें, ठीक है, हाइजेनिक खाना, और मतलब वहां पे आराम से बैठ करके आप खा सकते हैं, स्वीट डिश चाहिए स्वीट डिश मिलेगा, वहां के एम्प्लॉइज के लिए वो सब्सिडाइज अमाउंट में वहां पे दिया जाता है, ठीक है, आगे बढ़िए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, ये सब आपका प्री रिक्विजिट में आ जाएगा, ठीक है, और फैसिलिटी की बात करें तो रिटायरमेंट फैसिलिटी होता है, ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिटायरमेंट फैसिलिटी, रिटायरमेंट फैसिलिटी में जैसे क्या हो गया, ग्रेचुटी, पेंशन फंड, वो सब मेंशन होगा आपके सैलरी स्लिप में, तो सैलरी स्ट्रक्चर इसी तरीके से डिजाइन होता है, ऑलराइट, बेसिक सैलरी कितना, अलाउंसेस कितना, प्री रिक्विजिट कितना मिल रहा है, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, ये सब होता है सैलरी स्ट्रक्चर, इसके अलावा यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नो मैम, ठीक है, तो आगे देखिए स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी एज नेम इज ओनली सजेस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी? व्हाट इज स्टैट्यूटरी? बीकॉम फोर्थ सेम में आ चुके हैं, बाकी का छोड़ दीजिए, मैं खुद लॉ में पढ़ाई हूँ स्टैट्यूटरी, लॉफुल जो पार्लियामेंट से पास करके आपको कंपलसरी कराया गया है, एक्ट पास करवाया गया है, जिसको फॉलो करना आपका ऑब्लिगेशन है, आपको फॉलो करना ही करना होगा, अंडरस्टूड? स्टैट्यूटरी मतलब विच इज पास थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है, जिसका एक्ट बना दिया गया है, अंडरस्टूड? तो आपके सैलरी स्ट्रक्चर में सर्टेन स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी होता है, तो राइट डाउन स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, जिसमें आता है आपका पहला ईएसआई, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, नेक्स्ट वन इज ग्रेचुटी, नेक्स्ट वन इज प्रोविडेंट फंड, देन प्रोफेशनल टैक्स, नेक्स्ट वन इज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, तो ये सब हो गया स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के अंदर, एंड अनडाउटेडली व्हाट वाज द फर्स्ट, हां, एम्प्लॉईज, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉईज, ईएसआई जो मैं बोल रही थी ना, उसका फुल फॉर्म एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस, ऑलराइट, अब इसमें देखिए सबसे पहला अगर अभी टाइम है हमारे पास, एप्लीकेबल होगा कितना आपका रिडक्शन होता है, कितना परसेंट एम्प्लॉयर आपके देते हैं, ठीक है, फिर कितना इंटरेस्ट जुड़ता है, फिर गवर्नमेंट ऑब्वियसली आपका जो पीएफ वगैरह है वो तुरंत आपके अकाउंट में तो आएगा नहीं, आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, आप और एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को पे करेंगे, फिर जब टाइम आपका पूरा होगा वो पेमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे ये सब जानना आपका जरूरी है, पेमेंट आपका पहले एप्लीकेबिलिटी, फिर कितना रेट होता है, फिर बेस यानी किस पे कैलकुलेट होगा, बेसिक पे कैलकुलेट होगा या बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है,
ये सब पे हम लोगों को ये सारा कुछ जानना होगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में हम लोगों को ये सब जानना है, ऑलराइट, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा।